हेलो, स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेसिकली? डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा केमिकल चेंज है जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो क्या करता है, लेस एक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसके साथ जगह डिस्प्लेस कर लेता है, उसके साथ जगह चेंज कर लेता है। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा केमिकल चेंज है जहाँ पर मोर एक्टिव एलिमेंट, बेसिकली कहना चाहिए मोर एक्टिव एलिमेंट जो लेस एक्टिव एलिमेंट के साथ जगह चेंज कर लेता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ए बी के साथ सी को रिएक्ट किया गया। ठीक है, तो इस पूरे इन दोनों के अंदर ना हमारा मोर एक्टिव सेल था, अभी हमारा लेस एक्टिव सेल था। तो क्या किया, सी ने इसको हटा दिया, सी ने इसको हटा दिया और ये खुद सी ए के साथ आ गया। अभी क्योंकि लेस एक्टिव सेल था, ये बेचारा अकेला हो गया, ये बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं शो करने के लिए। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर, वो कर एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लो एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक। अब वहाँ पर थोड़ी से जिंक के पीसेस को ऐड करो, उसको मिलाओ गिलास में विद अ रॉड, है ना। द ब्लू कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स, तो जो ब्लू कलर है ना सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा एंड सून द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, और धीरे धीरे वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ द कॉपर सेटल डाउन इन द बीकर, और उसी टाइम पर जो रेडिश ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स होंगे कॉपर के, वो वहाँ पर बीकर में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। हेयर जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, ओहो, यानी यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट था, इस जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया और खुद वहाँ पर आगे सल्फेट कर कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, एंड आ टेस्ट यू टेक सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो कह रहा है थोड़ा सा घी ला था सल्फ्यूरिक एसिड लो एंड ड्रॉप आ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम लेवन, और उसके अंदर छोटा सा थोड़ा सा मैग्नीशियम लेवन डालो, ब्रिस्क एफरसेंस टेक प्लेस, वहाँ पर ब्रिस्क एफरसेंस हल्का सा मतलब होगा एंड हाइड्रोजन इज रिवॉल्व, और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिवॉल्व हो जाएगी बिच वंस विद अ पॉप साउंड, जो कि एक पॉप साउंड से जलती है ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैसेस्टिक नियर दी माउथ ऑफ अ टॉगल टेस्ट ट्यूब, यानी जैसे आप मैसेस्टिक लेके आओगे उसके पास वो अपने आप ही जल जाएगी, आपको रब करने की जरूरत है नहीं, वो अपने आप ही जल जाएगी। हेयर मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ओहो, यहाँ पे हाइड्रोजन ने, यहाँ पे मैग्नीशियम ने बेसिकली कहो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, पास क्लोरीन गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, वो कह रहे हैं क्लोरीन गैस को पास करो उसमें से पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, फिर आपके नोटिस कर दो द कलरलेस सॉल्यूशन टर्न्स येलो, यानी पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है, तो वो कलरलेस क्या येलो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा एज आयोडाइन इज फॉर्म, क्योंकि आयोडाइन वहाँ पर बन गया, आयोडाइड से आयोडाइन बन गया वो। हेयर क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडाइन आयोडाइन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर क्लोरीन ने इस आयोडाइन को रिप्लेस कर दिया, आयोडाइड को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और आयोडाइन बना दिया। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स इट कैन बी नोटिस्ड दैट, रिकॉर्डिंग हो रही है, इट कैन बी नोटिस्ड दैट कहाँ गई हम, दैट जिंक इज मोर एक्टिव। अच्छा, ऊपर वाले की बात कर रहा है, ऊपर वालों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जिंक ज़्यादा एक्टिव था। ठीक है, इज मोर एक्टिव देन कॉपर, ऊपर वाले में जिंक कॉपर से ज़्यादा एक्टिव था, एंड मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इस वाले मैग्नीशियम ज़्यादा एक्टिव था। ठीक है, इन नॉन मेटल्स, लेकिन अगर बात नॉन मेटल्स की किया जाए, नॉन मेटल की एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव निकला एज कम्पेयर टू पोटेशियम, वो एज कम्पेयर टू आयोडाइन, इन्होंने आयोडाइन से, हाँ आयोडाइन को लग किया है ना, एज कम्पेयर टू आयोडाइन। ठीक है, यानी उन्होंने बेसिकली आपको क्लासिफाई करके बता दिया यहाँ पे समझ में कि नॉन मेटल का और मेटल का कोई दिक्कत नहीं।
सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, एक्टिविटी, रिएक्टिविटी, मेटल्स, नॉन मेटल्स। क्या बेसिकली टेबल बता रही, ये बता रही सीरीज है ना, सीरीज ऐसे नीचे जाते होगा, नीचे जाते होगा, नीचे जाते होगा, आपकी जो एक्टिविटी है ना वो गिरती जाएगी। सर एक्टिविटी मतलब क्या? एक्टिविटी मतलब रिएक्ट करने की कैपेसिटी, रिएक्टिविटी आप इसको बोल सकते हो, अपने पर भी लिख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी। यहाँ पर एक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिव एलिमेंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करे, रिएक्टिव है ना। तो जैसे आप सीरीज में नीचे जाते होगे तो आपकी रिएक्टिविटी गिर जाएगी। मतलब इसको पढ़ने का तरीका ये है, प्लेटिनम से ज़्यादा एक्टिव गोल्ड है, गोल्ड से ज़्यादा एक्टिव सिल्वर है, सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव मरकरी, मरकरी से ज़्यादा एक्टिव क्या है कॉपर है, ठीक है कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव लीड है, लेड है सॉरी, लेड से ज़्यादा एक्टिव आयरन, आयरन से ज़्यादा जिंक, जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम से ज़्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम से कम सोडियम है, सोडियम से भी कम कैल्शियम है, कैल्शियम से भी कम मैग्नीशियम, ठीक है। एक मैं आपको प्रूव करके बता दूँ सर, इसको प्रूव करके बता दूँ मेरे को। तो मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे जिंक सबसे ऊपर है, कॉपर नीचे है, यहाँ से ऊपर वाला ज़्यादा एक्टिव होगा, नीचे वाला कम एक्टिव होगा, ये तो सीरीज का मतलब है। तो देखो फिर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर जिंक ज़्यादा एक्टिव था या नहीं था, कॉपर कम था, कॉपर कम एक्टिव था, तो आई थिंक आपको प्रूव हो गया होगा, क्योंकि जिंक सबसे ऊपर, तो जिंक सबसे ज़्यादा एक्टिव है और नीचे वाला उससे कम एक्टिव है, ठीक है। ये तो सारे थे मेटल्स, नीचे कुछ नॉन मेटल्स के भी नाम दिए हुए हैं, ठीक है। नोट द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। एक और तो हमारा रिएक्शन रह गया, ठीक है, अच्छा ये रहा, ये रहा, ये रहा, बाय टेकिंग सिंगल एग्जाम्पल द एक्टिविटी सीरीज गिवन अबव कैन बी प्रूव्ड, वो कह रहे हैं बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स करोगे तो आप ऐसे सीरीज खुद की भी बना सकते हो, ठीक है। और फोर्थ हमारा डिकम्पोजिशन आता है, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, ये बेसिकली इसका भाई है, ये डिस्प्लेसमेंट का भाई है। यहाँ पे ए ने सी को अपने साथ पकड़ लिया, बी को अकेला छोड़ दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए ने सी को अपने साथ पकड़ लिया, बी ने डी को अपने, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ए ने डी को अपने साथ पकड़ लिया, बी ने सी को अपने साथ पकड़ लिया, देख रहे हो बन रहा है। तो इसको बोलते हैं डबल डिस्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन विच टू कंपाउंड, दो कंपाउंड होंगे एक सॉल्यूशन के, दो कंपाउंड होंगे ही होंगे, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना, रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, यानी दो कंपाउंड है और दो नए कंपाउंड ही बनाएंगे, वो भी कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय म्यूचुअल एक्सपेंस, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में, वो आपस में ही अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज कर लेंगे, वो कहेंगे जो तेरे पास नहीं है वो मुझसे ले ले, जो मेरे पास नहीं है वो मुझको दे दे, बन गए, ठीक है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही मैंने सबसे पहले बोला था, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मिस वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, दीज रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला परसिपिटेशन, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, ये क्या होते हैं पढ़ रहे हैं क्या करके। परसिपिटेशन रिएक्शन एक वो रिएक्शन है जहाँ पर दो कंपाउंड्स अपने एक्वियस फॉर्म में होंगे, अपने एक्वियस फॉर्म में होंगे ओरिजिनली, ओरिजिनली तो किस में होंगे, अपने एक्वियस स्टेट में, अपने लिक्विड फॉर्म में होंगे, अब वो रिएक्ट करेंगे, क्यों, ताकि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाए, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाए, जिसको आप परसिपिटेट भी बोलते हैं, इसको एक परसिपिटेट भी बोलते हैं। और क्योंकि इसे परसिपिटेट बनता है, क्योंकि इन इस रिएक्शन की वजह से, इस रिएक्शन की वजह से परसिपिटेट बना, तो ऐसे रिएक्शन को परसिपिटेशन रिएक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज परसिपिटेशन रिएक्शन, एज लिखा हुआ है, क्योंकि एक जो इनमें से प्रोडक्ट जो निकल के आएगा
वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, इसको आप जिसको आप सॉल्युबल कर ही ना पाओ, जिसके अंदर आप कुछ डिस्को आप डिजोल्व कर ही ना पाओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल BaCl2 एक्वियस फॉर्म में बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दिए हुए हैं, तो बाद में वो कैसे बन गया, बेरियम सल्फेट में चेंज हो गया और वो सोडियम क्लोराइड में चेंज हो गया, यानी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको दे गए। लेकिन इसे कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फर का दिया हुआ है, इससे ये बनेगा कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। कॉपर सल्फाइड है बेसिकली ये, नहीं कॉपर सल्फाइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट है। प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन तो आप बताइए नहीं, बताइए नहीं, तो देखो क्या लिखा है। प्रेसिपिटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड बनता है, सॉलिड बनता है, वो सॉलिड कैसा होता है, इनसॉल्युबल, और सॉलिड कैसा होता है, इनसॉल्युबल, जिसके अंदर आप जिसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। और ये कैसे बन सकता है, ये या तो ऐसे बन जाए कि दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हो जाए, या फिर ऐसा बन जाए कि व्हेन आर गैसेस बबल इनटू सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में बहुत सारे गैस बबल्स, गैस के ऐसे बबल्स बने रहेंगे, तो ये कैसे बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, ठीक है, बनने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, वो कैसे बन सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बताओ डबल डिकम्पोजिशन के, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, वो कह रहे हैं अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर HCl मिला लो, है ना, फिर आप देखोगे। और अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तुरंत दोनों लेके दिखा दिए हैं, नीचे HCl नीचे NaCl, तो आप चेक करोगे एक वाइट कलर का कड़ी प्रेसिपिटेट एक फॉर्म हो जाएगा, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये बन जाएगा। फिर इसे कहते हैं फिल वन थर्ड ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो कह रहे हैं वन थर्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसको भर दो एंड ऐड टू इट अ बेरियम क्लोराइड, और उसमें बेरियम क्लोराइड मिला दो, तो आप देखोगे उससे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आल्सो अकर विद एबोलिशन ऑफ अ गैस, यहाँ पर कहीं पे गैस बनी, अभी कोई गैस वो हो नहीं रही, वो कह रहा है कि डबल डिकम्पोजिशन जो होगा हो सकता है वहाँ पर गैस रिलीज होती है, वहाँ पर गैस इवॉल्व हो जाए। एग्जाम्पल क्या दे रहा है वो, ऑन एडिंग डायल्यूट सल्फोरिक एसिड, जब आप डायल्यूट सल्फोरिक एसिड, डायल्यूट क्यों बोल रहे हैं, डायल्यूट को इस फॉर्म की वजह से बोल रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, और है ना दोनों की बात कर रहा है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक हो या फिर सल्फोरिक एसिड हो, कुछ सा भी हो, इसको जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ऐड करते हैं साथ मेटल सल्फाइड के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पे एक फेरम सल्फाइड ले लिया, यहाँ पे जिंक सल्फाइड ले लिया, ठीक है, मेटल सल्फाइड और मेटल क्लोराइड एंड एंड एन ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस इज इवॉल्व, एक चीज से बहुत बेकार ऑफेंसिव मतलब जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगे, जब जिसको आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो ऐसी गैस सड़े हुए अंडे जैसी लिखा हुआ है रोटेन है, एक सड़े हुए अंडे जैसी एक स्मेल इवॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो कभी कभी ये प्रूव करें उन्होंने कैसे गैस इवॉल्व हो सकती है। तो ये तो हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, अच्छा तो ये तो सॉलिड बनता हो, अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एक ऐसा रिएक्शन है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन है, सो कौन सा बेस, ये बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस ऐसा होना चाहिए जो क्या बना है, सॉल्ट बना है, और द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, हाँ जो केवल सॉल्ट और वाटर ही बनाए, जो केवल सॉल्ट और वाटर ही बनाए, यानी एक ऐसा रिएक्शन जो दो चीजों के बीच में होना चाहिए, दो चीजों के बीच में होना चाहिए, दोनों से डिफाइंड है, एक तो एसिड होना चाहिए और एक कुछ भी हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, एक एसिड तो होना चाहिए, दूसरा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे दो चीजें बने, जिससे दो चीजें बने, सॉल्ट और वाटर, तभी और केवल केवल तभी, केवल तभी हम उस रिएक्शन को बोलेंगे रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उन्होंने सोडियम ऑक्साइड और ऑक्साइड ये क्या है, एक बेस लिया है, इसके अंदर उन्होंने एक एसिड मिला दिया, जैसे पता क्या बन गया, NaCl बन गया, और इन दोनों से क्या बन गया, इन तीनों से H2O,
एंड सॉल्ट भी बन गया, वाटर भी बन गया, ठीक है। चलिए क्या था बाबू, कह रहा द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज, ऐसा रिएक्शन क्यों टेक हुआ, बिकॉज द हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन के जो आयन थे ना फ्रॉम द एसिड, जो एसिड के अंदर थे, जो एसिड के अंदर थे, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए एंड कंबाइन विद द हाइड्रोक्साइल आयन, यानी इसके साथ तो मिल गए, इसके साथ तो मिल गए, तो दो आयन हाइड्रोजन के हो गए एस टू ओ, यानी वाटर बन गया एंड द फ्रॉम द बेस टू फॉर्म वाटर, इससे क्या बन गया, वाटर बन गया। तो प्रूव कर रहे हैं बेसिकली, इसको छोड़ दिया ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलिंग द कॉमन आयन, अच्छा चलो बता देता हूँ, अरे मैथमेटिकल करा दिया उन्होंने, कहा सबको अलग अलग कर, तो एन ए को अलग कर लिया, ओ एस को अलग कर लिया, यहाँ से एच को अलग कर लिया, सी एल को अलग कर लिया, ऐसे यहाँ से एन ए को अलग कर लिया, यहाँ से सी एल को अलग कर लिया, यहाँ से एच को अलग कर लिया, एक ऐसे अलग किया, ठीक है, एक ऐसे अलग कर लिया और एक एच यहाँ पर धार लेके यहाँ पर अलग कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया देखो, ओ नेगेटिव से ओ नेगेटिव कैंसिल, उन्होंने ऐसे भी नहीं किया क्योंकि अगर मैं ऐसे कैंसिल करूंगा तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा उन्होंने देखो क्या चेंज किया, उन्होंने सारे निकालते हैं, मैं बताऊँ आपको, कैंसिल इन द कॉमन आयंस, उन्होंने कॉमन आयंस जो कॉमन है, जो कॉमन, तो कॉमन एक यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है, एक कॉमन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ये दिखाई दे रहा है, सारे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या करें कॉमन आयंस एन एन सी एल, वो क्या केवल इन दोनों को कैंसिल करो, केवल केवल इन दोनों को कैंसिल करो, केवल इन दोनों को कैंसिल करो, इनको हटाओ, इनको हटाओ, ठीक है। तो आप देखो इन ये मिलकर पता है क्या बनाएंगे, ये मिलकर एक वाटर बना देंगे, मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ सॉल्यूबल बेस, इसको अल्काली भी बोलते हैं, और एन इनसॉल्युबल बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तुमने पढ़ाई है, ऊपर डेफिनेशन ही दी हुई है, सॉल्युबल बेस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ सॉल्युबल बेस विद एन एसिड, वो कह रहा है एग्जांपल ही दे रहा है बेसिकली, ये हो गया एच एन ओ थ्री, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक सॉल्युबल बेस था और यहाँ पे इन्होंने इनसॉल्युबल बेस लिया हुआ है, इस सारे एग्जाम्पल ये मैं कोई फायदा नहीं पढ़ाने का, आप रीड कर लेना, ठीक है। एज अ केमिकल प्रोसेस, यानी एक केमिकल प्रोसेस तो है लेकिन बींग अ केमिकल प्रोसेस इसके भी कुछ यूजेस हैं, तो कह रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन हैज मैनी यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं देखते हैं। व्हेन समवन इज स्टंग बाय अ बी, जब बी, जब मधुमक्खी किसको डंक मार देती है, फॉर्मिका एसिड एंटर्स द स्किन एंड कॉजेस पेन, तो एकदम से वहाँ पे एसिड बनने लगता है जो हमारे स्किन के अंदर चला जाता है, उसके पेन होता है, विच कैन बी रिलीव्ड बाय रबिंग द स्पॉट, अगर आपको आराम पाने तो जगह आप उस स्पॉट पर आप रब कर सकते हो विद स्लेक्ड लाइम, उसके स्लेक्ड लाइम से और बेकिंग सोडा से, फिर से भी बहुत सब विचार बेसिक इन नेचर, दोनों ही मतलब बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर मतलब दोनों से काम हो जाएगा एंड दस न्यूट्रलाइज द एसिड, उससे एसिड का असर खत्म हो जाएगा, उससे एसिड का असर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो बेस होता है इसको ये अल्काइल अल्काली बोल रहे हैं, ये बेसिकली क्या करता है एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, एसिड के इफेक्ट को क्या करता है ख़त्म कर देता है, तो इसका नाम क्या पड़ा है न्यूट्रलाइज, इफेक्ट को न्यूट्रल कर देना, इफेक्ट को न्यूट्रल कर देना। इफ आर स्टोमक ग्लैंड में सेक्रेट एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कह रहा है अगर हमारे इस स्टोमक ग्लैंड से बहुत ज़्यादा एच सी एल निकलता है, वी एक्सपीरियंस पेन, तो हमें पेन होता है, विच इज रिलीव्ड बाय टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन जिससे आपको आराम मिल सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लो, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, और अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत बिचार बेसिक के नीचे दोनों मतलब सेम ही हो बेसिकली। ऑन दी अदर हैंड इफ देर इज डेफिशिएंसी ऑफ एच सी एल, अगर डेफिशिएंसी हो गई है यहाँ पर तो ये कि एक्सेस ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अगर कमी भी हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, सम और दी अदर सूटेबल ऑर्गेनिक एसिड इज टेकन इन डाइल्यूट फॉर्म, आप अदर ऑर्गेनिक एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है, तो आपकी परत दूर हो जाएगी। एसिड डेट इज एक्सीडेंटली स्पिल्ड ऑन टू आर क्लोथ्स कैन बी न्यूट्रलाइज बाय अमोनियम सॉल्यूशन, वो कहते हैं अगर हमारे कपड़ों पर गलती से कोई एसिड गिर जाता है, फैल जाता है, सब अमोनियम सॉल्यूशन सब उसको सही कर सकते हो उसका इफेक्ट। हाउ एवर एसिड इज स्पिल्ड ऑन आवर स्किन, हाँ लेकिन गलती से हमारी स्किन पर गिर गया, वी शुड इमीडिएटली वॉश दैट एरिया विद वाटर, हमें तुरंत उस एरिया को वाटर से साफ कर लेना चाहिए, मत सोचना कि नहीं मैं तो अमोनियम सॉल्यूशन लेके आऊँगा कभी, आराम से सही कर लूँगा, नहीं आराम से नहीं, इमीडिएटली
द सॉइल इज सम वाटर एसिडिक, अगर सॉइल किसी भी तरह से कोई ना कोई रीजन हो सकता है अगर वो एसिडिक है, उसके अंदर एसिड है, एंड दस अनफेवरेबल फॉर ग्रोइंग सर्टेन क्रॉप, और इसी वजह से वो उसके अंदर क्रॉप तो ग्रो हो नहीं पाएंगे, तो अब क्या करूँ, सिलेक्ट द सॉइल के अंदर अब डाल दो सॉइल के अंदर, अब सॉइल की सही हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी काम किसी बताई है, ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। एक थर्ड पार्टर दिया हुआ है आपकी बुक में, पढ़ते हैं जरा इसको। एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। ओहो, क्या बात कर रहा है, समझ पा रहे हो? मतलब वो चीज़ जो मैं समझता इम्पेयर था, वो कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो वहाँ पर एनर्जी चेंज होती है। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी ट्रांसफर होती ही होती है, बिना एनर्जी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो भी लिखा हुआ है इन एवरी केमिकल चेंज, इन रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, इन एवरी केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व। वो कह रहा है जब भी कोई केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन होगा, वहाँ पर एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी होगी, यानी वहाँ पर एनर्जी का तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। दैट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, वो कह रहा है। यानी कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यानी कि वो कह रहा है जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी, और जो उनसे नया आइटम प्रोड्यूस होता है उनकी एनर्जी, दोनों ही डिफरेंट होती हैं, दोनों सेम नहीं होती हैं। तो सर बाकी की एनर्जी कहाँ जाती है? बाकी की एनर्जी एनवायरमेंट में चली जाती है, बाकी की एनर्जी एनवायरमेंट में चली जाती है। सपोज करो कोई इजी सा एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं कोई आपको समझाने के लिए, ये वाला सपोज करो, यहाँ पर एक एनर्जी की यूनिट है 1, यहाँ पर इसकी एनर्जी की यूनिट है 2, तो जरूरी नहीं है कि मिलकर 3 ही हो ना, बिल्कुल ना, ये हो सकता 2 हो, पर 1 कहाँ पे गए? 1 हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान वाटर वेपर होके एमल प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं एटमोसफेयर में चली गई हो, ठीक है, वो एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जरूरी नहीं कि पूरी टोटल हो, यानी 1 + 2 = 3 ही इसके अंदर एनर्जी होना जरूरी नहीं है, ठीक है, इनमें डिफरेंस होता ही होता है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, और ये आपको पता है तो लॉजिकल है। दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, साउंड के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, हर सब्सटेंस का एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी होती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, एंड यहाँ पर रेफर किया जाती है एज इट्स केमिकल एनर्जी, यहाँ पर हम उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग अप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स रिजल्टिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी, वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है केमिकल बॉन्ड्स का टूटना, है ना, केमिकल बॉन्ड्स का टूटना। अब वो केमिकल बॉन्ड्स कहाँ का टूटते हैं? एटम्स के बीच में, एटम्स के बीच में ब्रेकअप करते हैं बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स को, एटम्स के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उनको तोड़ते हैं, है ना, एनर्जी की वजह से जो उनको हीट से मिलती है, हीट की फॉर्म में मिलती है, और साइमल्टेनियसली यानी ऑन द अदर हैंड सिमिलरली एक साथ ही तुरंत ही तुरंत वहाँ पर ही क्या करते हैं, नए नए बॉन्ड्स फॉर्म भी करते हैं विद रिलीज ऑफ एनर्जी, और फिर एनर्जी के साथ वो नए नए बॉन्ड्स रिलीज वो बनाते हैं। दिस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम मिसदर, वो कह रहे हैं दोनों जो एनर्जी है ना, एक एनर्जी है जो केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प कर रही है, एक केमिकल एनर्जी है जो बॉन्ड्स को बनाने में हेल्प कर रही है, दोनों दोनों की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। दैट इज देयर देयर इज आइदर अ सरप्लस और डेफिसिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, हाँ ऑब्वियस आते हैं डिफरेंट अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज, वो कह रहे हैं। अब इस रिएक्शन में अगर एनर्जी कम होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, अगर ज़्यादा होगी तो वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग अमाउंट द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, वो कह रहे हैं एनर्जी के रिलीज के ऊपर अगर हम एनर्जी रिलीज को बेस क्राइटेरिया माने तो अगर उसके बीच के हम केमिकल चेंज को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सो एग्जिट बाहर आना, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जहाँ पर ई एन एंटर, जहाँ पर एंटर करते हैं अंदर आती है एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, उस वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो पहले एक्सोथर्मिक पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट
is given out. It's called an exothermic reaction. It causes a rise in the temperature. ठीक है, इसके ऊपर temperature बढ़ जाता है. In an exothermic reaction, total energy content of reactants is more than that of product. वो कहें exothermic reactants के अंदर जो reactants होते हैं reactants, उनकी energy ज़्यादा होती है as compared to products. सर क्यों? सर ज़्यादा होती है तभी तो वो बाहर process के दौरान निकल जाती है. अब क्योंकि process के दौरान निकल जाती है इसलिए products के पास कम रह जाती है. तो लॉजिकल है, रटना नहीं है. ये एग्जांपल दिए हैं, ये कुछ आप पढ़ लेना एक बार, है ना. मेरे को तो यूजलेस लग रहा है, कोई काम नहीं है. यहाँ से पढ़ लें नोट से. आर बॉडीज नीड एनर्जी टू मेक पॉसिबल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन बॉडी एंड आवर सेल्स. वो कहते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है टू मेक पॉसिबल रिएक्शंस, टू मेक पॉसिबल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन आवर सेल्स. वो कहते हैं हमारे सेल्स के अंदर कब से रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी होनी चाहिए. These reactions allow us to carry out our everyday activities. ये जो reactions होते हैं ये इन्हीं की वजह से हम अपनी everyday activities कर पाते हैं. We need energy to stay alive. हमें energy जिंदा रहने की जरूरत होती है. And we get this energy from food. और हमें ये energy food के से मिलती है. During digestion, food is broken down. Digestion के time में food के बहुत सारे part किए जाते हैं. बहुत simple simple substance में. For example, the carbohydrates in rice, potatoes and bread are broken down from form glucose. राइस से, पोटैटो से, ब्रेड से हम ग्लूकोज बना पाते हैं, उसमें कार्ब्स होते हैं बहुत सारे. द कंबसन ऑफ ग्लूकोज विद ऑक्सीजन सेल्स ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी. ग्लूकोज का फॉर्मेशन बता रहे हैं जिसके लिए हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. यहाँ पर काफ़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है. अलग से लिखा भी हुआ है. इट इज नोन बाय द स्पेसिफिक रेस्पिरेशन. उसको हम जानते हैं रेस्पिरेशन के नाम से. रेस्पिरेशन बोलो, रस्टिंग बोलो, बर्निंग ऑफ कोल बोलो, पेट्रोल बोलो, कैल्शियम बोलो, कुकिंग गैस बोलो, ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. इन सभी के थ्रू हमारी एनर्जी बाहर निकलती है. एंडोथर्मिक रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन जब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, इट कॉजेस द फॉलिंग टेंपरेचर, से टेंपरेचर गिर जाता है. द सच रिएक्शंस कैन नॉट बी सस्टेन्ड द सप्लाई ऑफ एन एक्शन सोर्स फ्रॉम एन एक्शन सोर्स. वो कह रहे हैं इसलिए एनर्जी इस रिएक्शन को हम नहीं लंबे टाइम तक संभाल कर रख सकते, सस्टेन और संभाल कर रखना लंबे टाइम तक हम नहीं संभाल कर रख सकते विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एक्शन सोर्स. यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर ही एनर्जी तो हम उससे कम नहीं चला सकते, हमें बाहर से भी एनर्जी चाहिए. इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है तो एनर्जी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रहती है. तो प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होती है कंपेयर टू रिएक्टेंट्स. ठीक है, पढ़ा रहा हूँ. फोटोकेमिकल रिएक्शन सर, ये तो उसी को बोलते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है. मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर भी. ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर हमें लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें रिएक्शन को होने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, ऐसे रिएक्शन के बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो वही हमें बता रहे हैं. इट इज अ रिएक्शन दैट अकर्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. यानी यहाँ पर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल ना फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, क्लोरोफिल के साथ सनलाइट के पेरेंट्स में पेरेंट क्या गया, ग्लूकोज बन गया, वाटर बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गई. ये फोटोकेमिकल रिएक्शन था. दिस रिएक्शन इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. ये रिएक्शन बहुत जरूरी है लाइफ में, हमारे अर्थ पर अगर हम जिंदा रहना है तो ये रिएक्शन जरूरी है. इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स. से प्लांट्स के ग्रीन लीव्स में होती है जो कि क्लोरोफिल कंटेंट करते हैं, जिनको एनर्जी की जरूरत होती है सनलाइट से. इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बिल्कुल. द ग्रीन पिगमेंट, आप पता नहीं आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जहाँ पर क्लोरोफिल भरा होता है लीव्स के अंदर उस एरिया को बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट. तो ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल बहुत एसेंशियल होता है रिएक्शन के लिए, बिकॉज इट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सन, क्योंकि यही पिगमेंट है जो अपने अंदर एनर्जी कंटेंट करके रख पाते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको यूज करके खाना बनाता है. डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे सिल्वर की एग्जाम्पल देखिए बना हुआ है. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. तो ये एक बोर रिएक्शन था
जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती थी, जहाँ पर मैं किसकी एनर्जी किसके से जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो कह रहे हैं इट इज अ रिएक्शन दैट अकर्स, एक ऐसा रिएक्शन जो होता है, विद्युत एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं, फ्यूज पोटेशियम क्लोराइड, एक फ्यूज पोटेशियम क्लोराइड है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एक एसिडुलेटेड वाटर है, इसको अलग करोगे तो ये भी अलग हो जाएंगे। आपका ये भी होमवर्क है, काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से आज वाला होमवर्क, तो ट्राई करना आराम से करना, मतलब कोई दिक्कत ना है। कर ले तो कर लोगे तो मेरे को संडे या पूछ सभी लोग अच्छे से।